हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्यूबोर्ग बियर पीने से मोटापा बढ़ सकता है? क्या सच में बियर पीने से गले का कैंसर हो जाता है या फिर ये सब अफवाहें हैं? और किस तरह से बियर को फैक्ट्री में बनाया जाता है, जानेंगे सब कुछ आज की इस धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि किस तरह से इन बियर को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन फैक्ट्री में अनाज को अंकुरित किया जाता है, जैसे गेहूं, जौ, चावल आदि कुछ भी हो सकता है जिन्हें अंकुरित किया जाता है। अंकुरित करने में लगभग 4 से 5 दिनों का समय लग जाता है। और जब अनाज अंकुरित हो जाते हैं, तब इन अंकुरित अनाजों को एक टैंक में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर पानी मिलाया जाता है। आपको बता दें कि बियर के अंदर अधिकतम पानी ही मिला होता है। अब इसके अंदर खमीर मिलाया जाता है। खमीर एक तरीके का फंगस होता है, जिसका यूज डबल रोटी आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये हर एक रोटी को फुला देता है। इसीलिए इसको बियर में भी मिलाया जाता है, ताकि बियर में यूज किए हुए अनाज को फुलाया जा सके और उनको सड़ाया जा सके। अब इसके अंदर डाले जाते हैं फूल यानी होप्स। होप्स बेसिकली एक शंकु के आकार का फूल होता है, जो कि बियर में गंध और स्वाद पैदा करता है। अगर आपने कभी बियर पी होगी तो आपने नोटिस भी किया होगा कि बियर में कुछ अलग ही तरह की गंध होती है। जी हाँ, वे गंध इन फूल यानी होप्स की ही होती है। और जब इस मटेरियल को टैंक में भर लिया जाता है, तो अब बारी आती है इन सभी को उबालने की। कम से कम 3 से 4 घंटों तक इनको उबाला जाता है। जब इस टैंक का पानी सब वेपर बनकर उड़ जाता है और पूरा मटेरियल हल्का हल्का सूखा सा पड़ जाता है, तो इनको बाहर निकाल कर सूरज की धूप में कड़क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये मटेरियल सही से सूख जाता है, तो इनको एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, ताकि इस मटेरियल में थोड़ी भी नमी ना रह जाए। इतना सब हो जाने के बाद इस मटेरियल को ग्रेडिंग में डाला जाता है और मशीन कुछ ही टाइम में इस मटेरियल का पाउडर बनाकर तैयार कर देती है। पाउडर तैयार होने के बाद दूसरे टैंक में तैयार गुड़ और चीनी वाले पानी को इस पाउडर में मिलाया जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। हमने इसके अंदर खमीर भी मिलाया था, जिसके कारण इस पाउडर के सड़ने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है और नीचे की तरफ एक तरल पदार्थ बनने लगता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिट, जिसको नीचे लगे पाइपों द्वारा टैंकों में भरा जाता है तथा अल्कोहल भी मिलाया जाता है। लेकिन बियर में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। अब इतना होने के बाद इसको स्टोरेज रूम में 3 महीनों के लिए रख कर छोड़ दिया जाता है, ताकि अच्छी बियर बन सके। अब 3 महीनों के बाद ट्यूबोर्ग बियर बनकर तैयार हो चुकी है और फिर इनको इन टैंकों से बाहर निकाल लिया जाता है। और ये लास्ट स्टेज है, जिस बियर में इसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये पीने लायक है या फिर नहीं, जिसके लिए इसके नमूनों को लैब में भेजा जाता है, ताकि पता चल सके कि हमारी बियर सही में बनी है या नहीं। यानी अगर ये बियर टेस्ट के रिजल्ट में सही साबित नहीं होती है, तो इसको रहने दिया जाता है। और अगर ये बियर टेस्ट में पास होती है, तभी इसको बॉटलिंग के लिए आगे भेजा जाता है। और जिसके लिए हम पहुंचते हैं फैक्ट्री के दूसरे प्लांट में। आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि किस तरह से इन बोतलों को बनाया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले कांच को पिघलाया जाता है, ताकि इसको बोतल के शेप में लाया जा सके। और यहाँ इस भट्टी का तापमान इतना होता है कि अगर किसी इंसान के हाथ या पैर पर ये गिर जाए, तो उसको पूरा जलाकर राख कर सकता है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अधिक टेम्परेचर होता है इन भट्टियों का। जब कांच लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको इन मशीनों से गुजारा जाता है, ताकि इस कांच को एक बोतल का शेप दिया जा सके। आप देख ही सकते हो कि किस तरह से इन बोतलों को बनाया जा रहा है, कितनी स्पीड से ये बोतलें बन रही हैं। जब ये बोतल बन जाती हैं, तो इनको ठंडा होने के बाद पानी द्वारा धोया जाता है। जब बोतल अच्छे से धुल जाती हैं, तो इनको भेज दिया जाता है बियर को भरने के लिए।
इसके लिए इन सभी बोतलों को फिलिंग बेल्ट पर रख दिया जाता है, जिसके बाद का काम सब ऑटोमेटिक होता है और इन सभी बोतलों में बियर इन मशीनों द्वारा भर दी जाती है और ये काम बहुत फास्ट होता है। अब इनके ऊपर कैप लगाए जाते हैं और सील कर दी जाती है और लीजिए बियर तैयार है आपके पास आने के लिए। इतना सब करने के बाद इनको स्टोरेज रूम में रख दिया जाता है और ऑर्डर मिलने के बाद ही इनको आप तक पहुंचाया जाता है आपके वाइन शॉप की दुकान पर। तो दोस्तों देखा आपने कैसे तैयार होती है ये बियर। अब बात आती है अगर आप टूबोर को पीते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टोन यानी पथरी हो गई है तो आप बियर को बेहिचक पी सकते हैं और कई सारे केसेस में देखा भी गया है कि जिन लोगों को स्टोन था उन्होंने बियर पी और उनका स्टोन निकल गया। कई बार तो डॉक्टर भी स्टोन से पीड़ित लोगों को बियर पीने की सलाह दे देते हैं। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप बियर पीकर अपनी सेहत बना सकते हैं क्योंकि बियर में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये हमारा वेट बढ़ाने में मदद करती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। और भी बहुत से कामों में बियर को बहुत अच्छा माना जाता है। बात कर लेते हैं कि अगर आप बियर को अधिक पीते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से बियर का सेवन करते हो तो आपका मोटापा अधिक बढ़ सकता है, इसीलिए बियर को जरा लिमिट में ही पिए। अगर आप मोटे हैं तो इसको बिल्कुल भी ना पिए। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का ओवरडोज हमें खतरे में डाल देता है, ऐसा ही अगर आप बियर को बेहिसाब तरीके से पी रहे हैं चाहे आपका वेट बड़ा हो या नहीं तब भी ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको गले के कैंसर का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आपको ये न्यूज पूरी पढ़नी है तो आप गूगल पर सर्च करें और आपको फर्स्ट नंबर पर ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से भी इस सही इन्फॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बियर से जुड़ा अगर आपका कोई सा भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करें और ऊपर आ रही वीडियो में से किसी भी एक वीडियो को क्लिक कीजिए और आराम से एंजॉय कीजिए। और आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, आपसे मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।